बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप मुझे देख रहे हैं मेरे न्यू चैनल मिस मामा लिख पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि गर्मियों का मौसम है और आजकल ये परिंदे, चिड़िया, कोयल, कौवे वगैरह बच्चे भी देते हैं अपने घोंसलों में, और गर्मी के भी दिन हैं, तो फ्रेंड्स आपको चाहिए कि आप अपने घर में जहाँ परिंदों का आना जाना है, तो ऐसी जगह पर कोई भी किसी जगह पर पानी का बर्तन रखें जिसमें कि आप पानी डालें, और एक बिन वाला फेंकने की बजाय आप जो भी रोटी दाना पानी बचता है वो सब उस जगह पे डालें जहाँ परिंदों का आना जाना है फ्रेंड। और आप देखिएगा कि ये परिंदे मतलब सारा दिन दाने वगैरह चुनेंगे और पानी पिएंगे, तो आपको कितना सवाब मिलेगा फ्रेंड्स। ये छोटी सी नेकी है और इसका बहुत बड़ा लादल आपको अजर देगा, और आप जब छोटी सी कोई इस तरह की नेकी करते हैं आप देखिएगा आपके दिल को कितना सुकून मिलेगा फ्रेंड्स। तो आप आज से ही देखें कि पानी का कोई भी ऐसा बर्तन लें और जहाँ परिंदों का आना जाना आपके घर के बाहर से हिन में, छत के किसी कोने पे या कहीं किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ आपको लगता है कि ये परिंदों का आना जाना है, तो आप वहाँ पे पानी का बर्तन रखें और पानी परिंदों को डालें, और जो भी बचा कुचा खाना है, दाना है, रोटी है, जो भी है, तो प्लीज़ आप वहाँ एक प्लेट रख के उसमें रखें, और आप देखेंगे कि ये 2-3 घंटे में ये परिंदे सब चुन लेंगे और आपको इतना अच्छा फील होगा ना। और फ्रेंड्स, गर्मियाँ हैं, जैसे कि आप कोशिश करें कि दिन में 2 टाइम पानी को फ्रेश कर दें, ज़रा गर्म हो जाता है पानी तो आप एक सुबह डाल लें और फिर दोपहर के बाद जो एक बार पानी फ्रेश कर दें, क्योंकि शाम को 3-4 बजे भी ये लोग खाना वगैरह खाते हैं और फिर मगरिब के टाइम पे अपने घोंसलों में चले जाते हैं, और फिर ये सुबह फजर के टाइम उठते हैं। और जब आप फजर की नमाज़ पढ़ें तो गाइस आपने यही काम करना है कि आपने उठना है और कोई बर्तन जहाँ पे भी आपने रखा हुआ है पानी का उसको लेना है और उसमें आपने पानी डालना है परिंदों के लिए। और जो भी घर में बचा खुचा खाना है, चावल ये बहुत शौक़ से चिड़िया खाती हैं, थोड़े से भी बच्चे हों तो आपने वहाँ रख देने, और फिर आप बैठ के देखिएगा सुबह को कि किस तरह से वो एक एक दाना चुनती हैं और आपको कितना सुकून महसूस होता है फ्रेंड्स। ये एक छोटी सी नेकी है जिसका अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा अजर देगा, और जो है ना आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा, और अपने आस पास जो भी आपके परिंदे रहते हैं आप उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और ये बहुत मासूम परिंदे हैं और बहुत खूबसूरत परिंदे हैं, और जो है ना अल्लाह ताला भी आपसे बहुत खुश होगा और पता नहीं आपकी कौन कौन सी मुश्किलें आसान करेगा आपकी इस छोटी सी नेकी के बदले। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और शेयर करें।